अगर इतने जालिम और ऐसे दुश्मन थे अहले बैत के जाने वालों, खास तौर पर मेरे मौला, मौला के खास दुश्मन ये खारिज है, ये फिरके की हिस्ट्री जरूर पढ़ी है। ऐसा लग रहा है कि इस फिरके को नई जिंदगी आज दी गई। तकवे और परहेजगारी में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मौला के एक साहबी अमर इब्ने हमक, बहुत मशहूर साहबी, नाम इतना लोगों को नहीं पता जिनके लिए तारीख में फकरा लिखा जाता। यह पहला आदमी है आलम इस्लाम में जिसका सर काट के नैजे पे बुलंद किया गया। इस्लाम ने आके जाहिलियत की रस्में खत्म कर दी। सर काट के नैजे पे बुलंद नहीं किया जाएगा, जाहिलियत का दरीबा। पैगंबर इस्लाम के आने के बाद पहला आदमी जिसका सर काटा गया और नैजे पे बुलंद करके फिराया गया वो अमर इब्ने हमक खुदाई। अब तालिबान तो यह आज कराम हरकतें करते, जो पिछले दो साल के अंदर पारा चिनार और वजीरिस्तान और हर जगह आपको वाकयात मिले, हत्ता पाकिस्तान आर्मी के 300 आदमी पकड़े, नाम से जो जो शिया थे उनको छाट के निकाला, बाकी सबको छोड़ दी। फिर इनके सर काट के जिस तरह लोग के नैजा में घुमाए जाते हैं, ये सारे वाकयात आपने अगर नहीं सुने तो मुझे ताज्जुब है, सुन लिए तो मुझे तफसील में जाने की जरूरत है। पहला आदमी था इस्लाम में अमर मौला का साहब, लोगों को खारजियों को पता चल गया अली वाला, चुनाचे एक बार उनके लिए अपनी जान बचाना वाजिब थी, अपनी बीवी को ले जंगल में निकले। वाइफ इनकी प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंसी का पीरियड पूरा हो चुका था। खारजियों के हत्ते चल, एक यहूदी के बाप के सामने से खारजी गुजर रहे। एक बार देखा कि अमर बुजुर्ग बूढ़ा सफेद दाढ़ी चेहरे से तकद्दुस के आसार, जमीन में गिरा के पछाड़ा, उनके गर्दन पे छुरी चलाई, इनके सर को कान के नो के नैजा में बलन किया, फिर बाद में लेके आगे निकली, उनकी बीवी को जबा किया, बीवी के पेट को काट, उस बच्चे को पेट से निकाला, उसे नैजे पे उछाला। और उसके बाद एक मरतबा पलटे, नमाज का वक्त हो गया, यहूदी का बाप सामने उसके दरवाजे पे जाके नौकरी की, वो तो सारा मंजर देख रहा है घर की, घर से कहां पर रहा है कि ये वैशी ये जंगली या खुखार बरम के मेरी जाने वाले, कहा कि भाई थोड़ा सा पानी हमें चाहिए, वुजू करना है, नमाज का वक्त हो गया और बहुत हम भूखे हैं, अगर दो सेब अपने बाप में से दे सको। घबरा के कहा, तुमने मेरी आंखों के सामने एक मुसलमान को जबा किया, उसकी बीवी को शहीद किया, बीवी का पेट काट के बच्चे को निकाल के उछाला, दो सेब के लिए इतना, मैं तो डर रहा हूं तुम पूरे बाप में कब्जा करोगे। नहीं नहीं, पैगंबर ने कह दिया है कि काफिर जिम्मी के माल का भी इंतजाम करना है, हम इजाजत के बगैर पानी का कचरा तुम्हारे यहां से नहीं ले सकते। उसने कहा, ला ला, ये कैसा इस्लाम है कि काफिर के घर के पानी का इतना इंतजाम, और मैंने खुद सुना वो मरते मरते कलमा पढ़ रहा था जब तुम उसके गले में छुरी भेज रहे थे, कहा वो अली वाला था, वो काफिर, उसका इमाम भी काफिर है, ये भी, ये काफिरों से भी बदतर है। जो कल जुमला मैंने कहा था ना कि वहाबी तंजीम ने कहा कि शिया के बराबर हमारी कब्र बने, इससे अच्छे हम काफिरों के साथ जाते हैं। ये खारिजी थे जो इस्लाम में ऐसी तस्वीर लेकर आए, मगर